यान, तो जो तुम सोच रही हो वैसा वैसा नहीं है। ये रहा आपका 15 दिन का ऑफिस टूर और कल रात की प्रेजेंटेशन। मैडम कचो, मैम साहब कचो। अब तो देख मैं तेरी जिंदगी कैसे कचरा बना दे। पापा मैं अंशी पार्टी में जा रही हूँ, कल शाम तक आऊंगी। ओके ठीक है बेटा, ठीक है। अरे पापा इतनी आजादी क्यों दे रखी है आपने उसको, रोज रात को लेट आती है। बाप हो यार उसके, रोको उसको। बेटा रुक तो मुझे, दूसरी बार नहीं उस रात को ही जाना चाहिए। समझ रहे हो? अरे रुको जरा, सबर करो। अरे मल्होत्रे बड़ा कंजूस हो गया रे तू है। अरे बेटी को एक अच्छा सा कपड़े का जोड़ा दिला दे, बड़े से कपड़े दिला दे, बिचारी अब तक स्कूल के कपड़े चला रही है। रुकते चला तो तू रहा है, अपना बड़ा सा मुंह और छोटा सा दिमाग। सही खेल रहे हो आंटी, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये बढ़िया था गुरु। साजन मैं भीग चुकी हूँ पूरी, ऐसी रहूंगी तो पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। गो गेट सम टॉवल फॉर मी और प्लीज आते वक्त कपड़े भी लेके आइए। जीन्स और टी शर्ट ले आऊं मैडम? मैं जीन्स और टी शर्ट पहनूंगी मिस्टर साजन। तो क्या पहनेंगी मैडम? मैं बिकिनी पहनूंगी। बेटा मन में लड्डू फूटा। तो वो अभी घर में तो नहीं है, मैं बाहर से फटाफट से जाके लेके आता हूँ मैडम। आप मुझे बिकनी में देखना चाहते हैं? नहीं नहीं अभी और सुनिए। नहीं 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 नहीं। तो फिर आप बिकनी खरीदने की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं वो आपने कहा ना कि मैं बिकनी पहनूं। आपने इतना स्टूपिड सवाल पूछा मिस्टर साजन कि मैं क्या पहनूंगी, एक लड़की क्या पहनती है? कहाँ कुछ पहनती है आजकल।